में जवाब आता है लेखक वैसा ही जवाब देते हैं। बहुत ही अच्छे लेखक उधर रामू भैया हैं, बहुत बढ़िया। बड़े भाई अखिलेश जी कह रहे थे कि ओमवीर भाई कौन सा सस्ता नशा कर रखा है। अखिलेश भाई बार बार में ध्यान देने की बात है, बार बार में नरसी को सुदामा बोल रहे हैं, नरसी है बार बार में सुदामा सुदामा सुदामा। तो ये तो जनता ने देख लिया कि नशा आपने कर रखा है या ओमवीर शर्मा जी ने कर रखा है। और रामेश्वर गुरु अब बात वो हो रही है कि कोई एक रिश्तेदार आए और आकर के दूसरे रिश्तेदार ने पूछा सब बढ़िया है कि हाँ साहब बैंगन लाया हूं के, और परिवार में वाले बच्चेदार सब बढ़िया है ना सभी को भरता बना के खाऊंगो। ये कहानी है क्यों हमने पूछा था गंगा जल को लेके रुकमड़ खड़ी रही फिर असुओं से क्यों धोए पांव कन्हैया ने। और बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि वो पिछले जन्म में केवट था या वो था, ये बातें तो पूछी नहीं है कि वो पिछले जन्म में कौन था क्या था। प्रश्न चाचा जी केवल इतना था कि जब जल को लेकर के लोटा में खड़ी है तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जल के लोटा को छोड़ करके आंसुओं से उसके पैर धोए। प्रश्न इतना सा था। और वो कह रहे हैं कि वो मलहाओ या फलानो ढिकानो इन सब बातों का क्या मतलब है। और केवट ने पैर राम के असुओं से नहीं धोए, उसने सरयू के जल से धोए हैं। और पूछना केवल इतना था कि लोटा लेकर खड़ी है तो असुओं से क्यों पैर कृष्ण ने धोए, वो जवाब आया नहीं है। और छंद में इधर से कह रहे थे, हमारी एक छंद थी चाचा के काऊ काऊ के लटक रही लंबी डाड़ी और काऊ काऊ की घोटम घोटा है और काऊ काऊ के कसौल लंगोटा है। यानी लंगोटा और घोटम घोटा दो शब्द हैं। और इधर से ला रहे हैं कि तेरो का बिगारे हो रक्षक बंसीवार हो। अब ये हाल है लेखनी का। अरे अभी तो ये मच्छर के बच्चे हैं, अभी ये मच्छर के बच्चे हैं। अरे एक ही थप्पड़ में नीचे आ जाओ मच्छर है भाई। अच्छा मच्छर अभी तो ये मच्छर के बच्चे हैं, इसलिए जुनून है और इन मच्छरों को कैसे मारूं मेरी जान इनमें मेरा ही तो खून है। तो इससे मालूम होता है अखिलेश भाई छंद को और इन गीतों को तुम अपने आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, रामू भैया ने इन सबको लड़ा करके नहीं दिया है। क्योंकि अगर रामू भैया उधर से लड़ाते तो शायद एक चीज लड़ जाती। कोई बात नहीं है राम भाई, आंगनवाड़ी के बच्चे कमाने खाने दो, कोई बात नहीं। एक बात और समझ में आई, बार बार अखिलेश कह रहा था कि जब तो अखंड भारत था देश और विदेश थे ही नहीं, जनता से ही फैसला करा दूंगा तेरे सामने। हमारे गुरुदेव भी बैठे हुए हैं रामेश्वर दयाल जी, जनता से और सबसे फैसला करा दूंगा कमेटी से कि उस समय अखंड भारत था या देश विदेश थे या नहीं थे। आप लोगों ने सबने रामलीला तो देखी होगी, देखिए साहब तू देखी है। उसमें जब धनुष यज्ञ का मामला आता है सीता स्वयंवर तो उस समय जनक जी ने एक राधे श्याम रामायण में और राधे श्याम आई और सभी लोग सुनेंगे, इसी से पता चल जाएगा कि देश विदेश थे या नहीं थे। जनक जी ने स्वयं बोला है क्या, हे देश विदेश के राजाओ और अब किसको कहूं बलशाली है, अब किसको कहूं बलशाली है, मालूम मुझे ये होता है पृथ्वी वीरों से खाली है। और भगवान राम थे अयोध्या के राजा और रावण था लंका का राजा, वो पहले लंका थी और आज के समय श्रीलंका है।
और महाभारत देखा होगा गुरु, कहते हैं बार बार में शकुनी से गांधार नरेश, तो गांधार अफगानिस्तान ही है। लेकिन ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं ये सब जनता जान रही है, जो कुछ भी है। हाँ जी, अब नंबर सुनेंगे इधर से। बेटा अखिलेश समझ ले, तेरी तो सरकार ही फेल है गई, इसको अमित शर्मा कहते हैं मेरी जान। ये कह रहा है कि अखंड भारत था ही, अखंड भारत था ही नहीं, देश विदेश थे ही नहीं, अखंड भारत था। कोई बात नहीं गुरु, लेकिन राधे श्याम जो रामायण कह रही है मैं उसके आधार पर चल रहा हूँ। आप सभी ने सुना भी होगा, हे देश विदेश के राजाओं आज किसको कहूं बलशाली है, मालूम मुझे ये होता है पृथ्वी वीरों से खाली है। तू कह रहा है देश विदेश थे ही नहीं। पॉइंट नोट किया जाए, हाँ देखें छंद का जवाब इधर से। हाँ जी, अरे कोई बदनामी जाकी है सागर के बीच में, सभी लोग बदनाम बदनाम कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं तुम्हारी। और कोई बदनामी जाकी है गई, और जायू कैसा तो करिया के दूध है तो खराब बता रहो बेटा, जिस समय बीमारी चली तो 100-100 और 200-200 रुपए लीटर बिक गया बकरिया का दूध। क्या कर रही बेटा डेंगू की बीमारी। हम गलत नहीं बोलेंगे कुछ भी, लेकिन तुम गलत समझ रहे हो उसको। अरे कोई ऊ कैसा तो जात, और कहने लगी रामा की सासुर, ऐसी परे रही जग मूरा है तो पापा। अरे कोई जाने आते बिगारी बात और जा ऐसो नंग नचायो है, और सबरे ऊके जग जन्म में तू कैसो ढोंगी ने ढोंग। साहब गुरुदेव चाकू ऊके नगरी सारी न घर के गाड़ी में, वाह घर का तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मां तो सब बाबा जी और भिकमंगा भरे पड़े। वाह, अब देखेंगे आगे छंद। अरे कोई चारा लंग जाकी भाई बदनामी, चारों लंग जाकी भाई बदनामी, और छंद पे खुश होकर के डोली मास्टर जी की तरफ से ये 501 रुपए का पुरस्कार आया, सभी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अरे कोई चारा लंग में और जाकी भाई बदनामी, और देखना मेरा छंद लड़ाने का तरीका, क्योंकि किया काम जन खोटा है, और सबरे कह रहे हैं जावा तो, और सासुल भी कह रही है रामा की, अरे कोई किया काम जन खोटा है, और भंग
धतूरे कंपी वे बारो ले रयो नींद के जो आप लोगों के दिल को छू जाए। आप लोग कहो वाक्य में ओमिर शर्मा छंदर डा रहा है। हाँ साहब, अरे जाने और नेकन मानी दे गाड़ी में। वाह हाँ साहब, अब आगे। अरे सिर सागर में हल्ला भयो और कोई देख के जाके। अरे सिर सागर में हल्ला भयो कोई देख के जाके। के नंगो जाको गात है मेरी प्यारी बात है जाने धरे दई शरम उतार और रख के पहिए दो बेकार। रख के पहिए दो बेकार सर के जी। रथ के पहिए भय बेकार न सरके गाड़ी में। और इधर से एक गा रहे थे मां सब लगाना पर्दा है पर्दा। हाँ जी दिखाए बेटा कहीं से सवाब पे शराब फेंकूंगा किसी हंसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। लिखा जब मैं अपने नंबर से नीचे उतर गया, मेरे नंबर का जब एंड हो गया तो गिरिजा शंकर शर्मा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया इटावा वालों की तरफ से। और कह रहे थे कि जो आपने जो चौथी बहू ढूंढी है इटली से आई सोनिया गांधी, इस पर खुश होकर के मैं आपको 100 रुपए का पुरस्कार दे रहा हूँ। और गिरिजा शंकर इटावा वालों की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। लिखा पर्दा न सीखो बे पर्दा न कर दू पर्दा। पर्दा न सीखो बे पर्दा न कर दू तो 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 अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दा। इधर से गा रहे थे
भैया। वादा है वादा मेरा ये वादा, मन में दुखी क्यों होते हैं ज्यादा। अशोक चाचा इस बात से ये साफ हो रहा है कि सस्ता नशा अखिलेश भाई ने किया है। क्यों? रामा दल में जब ढूंढने की चर्चा चल रही है कि कौन ढूंढ करके लाएगा, हनुमान जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम ढूंढ करके लाओ, तो वही हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरा वादा है और मन में दुखी तुम ज्यादा मत होइए। और फिर आगे लाइन आ रही है कि रावण की लंका में आग ना लगा दूं तो। अब बताओ वहां रावण की लंका का जलाने का क्या मतलब है? रामा दल में बात हो रही है अखिलेश भाई, जब वादा है वादा और मन में दुखी क्यों होते हो ज्यादा, जब मन में ज्यादा दुखी मत होइए, ये बात चल रही है प्रधान जी रामा दल में। अब वहां कह रहे हैं कि रावण की लंका में आग ना लगा दूं तो, ये ना कर दूं तो, फलान ना कर दूं तो। ये सैनवे की जनता है, यहाँ न जाने कितने तो भागवत प्रवक्ता हैं और न जाने कितने गायक और वादक हैं, ये सभी बात को समझ रहे हैं। सस्ती पी रखी है ए बाबा चश्मा वाले, सस्ती भी पीते हैं और महंगी भी पीते हैं, सस्ती भी पीते हैं और महंगी भी पीते हैं, जब भी पीते हैं तो अपने आप की पीते हैं। और तू क्यों जलता है, अरे तुम क्यों जलते हो, ए मेरे यारो क्या हम तुम्हारे बाप की पीते। ए तुम क्यों जलते हो राए बारो, क्या हम तेरे बाप की पीते। अब जब जवाब रावण का मांग रहे हैं तो लीगल जवाब होना चाहिए। तो रावण कह रहा है बंदरी के बच्चे, इसकी ये औकात दशानन रावण के आगे, ए बजा करती है मेरी दुमदुम ही आकाश पर घन में, प्रकाशित होता है मेरा तेज नित्य उड़गन में। और आप लोगों के यहां तो खलनायक भी बड़े अच्छे अच्छे हुए हैं मेरी त्योरी के चढ़ते ही। चाचा रावण तो फिर रावण ये रावण कह रहा है देख, बंदर है बंदर, बंदर है बंदर, बंदर है बंदर, हे बंदर, ए बंदर तू बंदर चल कमरे बेटा, बंदर है बंदर लंका के अंदर, बंदर है बंदर लंका के अंदर, खोपो ना ये खाया खोप नहीं खाया मेरा नाम दशकंदर, खोप नहीं खाया मेरा नाम दशकंदर, खोप नहीं खाया मेरा नाम दशकंदर। क्यों बनो? अरे दशकंदर ये देख लो मेघनाथ बेटा, दिले मत तोड़े करे तू मेरे मोते, ज्यादा दुनिया में और कोई तोते प्यार ना करे, ये सब प्यार की ही बातें हैं। हाँ दिले मत तोड़े करे, लिखा है दे, बंदर है बंदर और लंका के अंदर, बंदर है बंदर लंका के अंदर, और खोप नहीं खाया मेरा नाम दशकंदर, खोप नहीं खाया मेरा नाम दशकंदर। और दे कि ये कर्म का तुझे सबक ना सिखा दूं तो, ये कर्म का तुझे शब्द ना सिखा दूं तो। गुरुदेव रसियाबाजी होती है पक्ष और विपक्ष की, जब इन्होंने हनुमान बन के गाया है तो प्रधान जी रावण बन के जवाब देना ही पड़ेगा। अब मैं भी नहीं चाहता हूं कि हनुमान जी का अपमान हो, लेकिन रावण तो फिर रावण, ये राक्षस हो भाई, देख खोप नहीं खाया तूने, खोप नहीं खाया मेरा नाम दशकंदर, और ये कर्म का तुझे सबक ना सिखा दूं तो, ये कर्म का तुझे सबक ना सिखा दूं तो,
दूध ये छटी का तुझको याद ना दिला दूं तो, दूध ये छटी का तुझको याद ना दिला दूं तो रावण मेरा। कभी तभी गाया बाबा श्याम कुंड के बारे में तो ऐसा गाया जैसे गाड़ी को कबाड़े में डाल दिया जाता है। वो जूड़े वाली चमिया मिला मैंने ले ए साधना में शक्ति है, साधना में शक्ति है, भावना में भक्ति है, साधना में शक्ति है, भावना में भक्ति है, इस पे नजर आप सब स्रोत। अरे इस पे नजर आप सब श्रोता डारिए, इस पे नजर आप सब श्रोता डारिए। बेटा अखिलेश काफियाओं का तो तू मुझे बाप मानियो एक तरह का। इस पे नजर आप सब श्रोता डारिए, कर्म अच्छे आप करो, कर्म अच्छे आप करो, ना कोई पाप करो, जीवन में जान को मत ऐसो तोता पारिए, जीवन को जान को मत ऐसे तुम पारिए, ऐसे तुम पारिए, जीवन में जान को मत ऐसे तोता पारिए, जीवन में जान को मत ऐसे तोता पारिए। और ताली देखना देख, जीवन में जान को मत ऐसे तोता पारिए, इनका और बकाया है और उसका जवाब मासाब बैर में इन्होंने गाया था तो उसी कलाकारी से वापस मिलेगा। मासाब बैर लगाएंगे आप और उसके बाद में एक गीत अपना होगा और एक गीत और एक आदमी का होगा, इसे देख के आप सब लोगों की आत्मा आज प्रसन्न हो जाएंगी। और मैं निवेदन भी करूंगा, मेरा छोटा भाई है और आप सबका बच्चा है, वो हमारा छोटा संजय एक गीत यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। और संजय जनता में से उठ करके मंच पर भी आ, शर्मा जी के बाद एक गीत तुम्हारा भी होगा। हाँ जी मासा बैर लगा। मैं तो मर के भी
अंदर से एक चीज और गा रहे थे, एक दिन अकेला सुके ऊपर भारी मची दवाई। कह रहे थे कि शंकर जी, शंकर के मुख में कहां दब गए। तो यहाँ 80% जनता इस बात को भी जानती है। अखिलेश भाई, रामू भैया, 80% जनता जानती है, लेकिन तुम न जाने सबको पागल समझ रहे हैं। सुनेंगे, अरे अंधक ने जब शंकर दास से और खामा खार बढ़ाई, अंगद ने जब शंकर दास से खामा खार बढ़ाई, अंधक ने जब, एक भक्त भगवान शंकर के हुए भक्तमाल में कथा थी है, जब शंकर दास नाम के भक्त से जब उनका पाला पड़ गया और उनको समाप्त करने के लिए जब वो दौड़ा है, तो भगवान शंकर की उन्होंने शरण ली है और भगवान शंकर ने कहा, मेरा वो बेटा है अंधक, उसको तो मैं मार नहीं सकता हूँ, लेकिन तुमको मैं अपने मुख में जगह देता हूँ, क्योंकि जब अंधक को मैं नहीं मार सकता तो मैं उसका पिता हूँ, तुमसे भी वो मेरे मुख में आकर के कुछ नहीं कहेगा। या कितने ज्ञानी लोग हैं, या 80% लोग जानते हैं इस बात को। हाँ जी, 101 रुपए का पुरस्कार हमारे रिश्तेदार राम खिलाड़ी जी शर्मा, राम खिलाड़ी शर्मा जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। और ये नरेश स्टूडियो जट्टारी की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। आपका ये प्रोग्राम नरेश स्टूडियो जट्टारी पर पहुंचेगा, आप लोग देखेंगे। और 21 रुपए का पुरस्कार नन्नो भैया पाली से आए हैं। हाँ जी, अरे अंधक ने जब शंकर दास से खामा खार बढ़ाई और दौड़ा दौड़ा भक्त प्रभु शिव के ढंग पहुंचा जाई, दौड़ा दौड़ा भक्त प्रभु शिव के ढंग अरे शिव के ढिंग पहुंचा जाई, भगवान है शामिल भक्तों के दुख सुखों में, और शंकर दास घुस गए हैं भगवान शिव के मुखों में, शंकर दास घुसे हैं भगवान। अरे भरे भरे के लान की, अरे भर भर के एक एक पेटल आया था, ओफो, अरे भर भर के दोनों बाटी रही है, और मुख से बोलना भाई साहब, एक अरे भर भर के दोनों बाटी रही है, ओफो ओफो डराते का जी, अरे बंगला ऊंचे पे बनवाए ले तू गोपाल, नेहरी आई रही जमुना। अखिलेश भाई, हमको नहीं मालूम थी, हमको नहीं मालूम थी कि पेंट से पजामा कह देगा, और ये भी नहीं पता थी कि बार बार नरसी से सुदामा कह देगा। अरे मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तूने देसी लगा रखी है, कोई पता नहीं, न जाने फूफा से भी मामा। अरे दिए बादर फार जनाने, अरे दिए बादर फार जनाने,
वाले भीमा ढोमरा जी के भांजे 100 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं और कह रहे हैं, उनका कहना है कि बार बार प्रेमचंद प्रधान जी का अभिनंदन है जो उन्होंने ऐसे रसिया यहाँ पे करवाए हैं। हाँ जी, पहली कहानी ब्याही आया की जाके संग में आज उसी का दामन छोड़ा। अरे ब्याही आया की जाके संग में, ब्याही आया की जाके संग में आज उसी का दामन छोड़ा। और ब्यास जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो सब जानते हैं, और आप ही नहीं यहाँ की जनता भी, हम क्या रसिया गाएंगे, ये खुद रसिया बैठे हैं। मैंने पहले ही कह दिया तो, अरे अरे उसी का दामन छोड़ा। खास खसम की सगी भई नाए कैर से नाता, सब लेखों से गा रहा हूं, ऐसे मत कह देना कि हवा में उड़ा करके चले जाओ। जो सीखा है हमने गुरु लोगों से, शिक्षा पाई है, उसी को दर्शा रहा हूं। खास पति की सगी भई नाए कैर से नाता जोड़ा, अरे रह गई है और आप लोग नाटक नौटंकी, ये लोग, ये आप लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, देखते क्योंकि यहाँ रसियों का प्रभाव कम है। बिल्कुल, अब हो जाएगा पर पूरा प्रभाव, लेकिन एक वहीं से लेख लेकर के आया हूं और सभी लिखेंगे सुनेंगे। कौन सा? समझ न आयो भैया देखो, समझ न आई भैया देखो, कैसी है जात जनानी। बहुत तेरी समझ आई पल मने एक बात नाए, अब वो कौन है, अब वो कौन है, एक बात है। नहीं मानी दे? अरे 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 दीनी दीनी है भैया से घात की है। तेरे ही पापा गाया करते थे, गाया करते थे, देख कहां से मोड़ करके लाया हूं। तेरे ही पापा जी गाया करते थे, अशोक शर्मा जी। नियत बिगाड़ती है, धरती को फाड़ती है, आज दौलत के पीछे बहना भैया को मारती है। ये उत्तम चंद की कहानी है, इसीलिए। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे वर्तमान प्रधान जी श्री प्रेमचंद प्रधान जी 100 रुपए का पुरस्कार अब और 1100 रुपए का पुरस्कार पहले देते, बार बार आशीर्वाद चाहूंगा और तालियां बजा करके प्रधान जी का स्वागत करूंगा। मैं तो यही कहूंगा, अरे बैरव गुरु मेरे भाई बैरागी, हो बैरव गुरु मेरे भाई बैरागी, बैरव गुरु मेरे भाई बैरागी, बैरव गुरु मेरे भाई बैरागी, सब दिल के अरमा खोलो, बैरव गुरु मेरे भाई बैरागी, सब दिल के अरमा खोलो। और यही कहूंगा मैं तो बार बार आप सभी से, अरे दिल के अरमा खोलो, एक बार सब मिल करके जय श्याम कुंड की बोलो। श्याम कुंड की बोलो भैया, श्याम कुंड की बोलो।
अरे दिए बादर फार हेलो देखिए चाचा लोग मेरी तरफ से सुनेंगे और एक गीत अपने मेरा शिष्य है संजय आप लोगों का ही बच्चा है एक गीत उसके मुखारबिंद से सुनवाऊंगा और चाचा जी ज्यादा नहीं दो चार मिनट ज्यादा हो जाए तो मेरी तरफ से कम दस मिनट हमारे राय वालों को ज्यादा दे दी जाए देखेंगे सभी लोग गीत सुनेंगे और मां साहब धुन दिखाओ दोनों भी ऐसी जो आप लोगों के दिल को छू जाए तेरी बेवफाई का सिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन हो राज अभिषेक होने के लिए जा रहा था मंत्रा को मालूम पड़ी तो आके केकई से कह गई ये केकई कुछ दिन बाद आपको महलों से बाहर कर दिया जाएगा केकई बोली क्यों आज राम का कल राम का राज अभिषेक होगा उसके बाद जाने राम का ही राज चलेगा जाने क्या होगा तो आज कहने लगी वो केकई लिखा है बेटा चाचा जी कुछ कह रहे हैं ना मैं फिल्म में होंगी ना मेले में होंगी ये आपस की बात अकेले में होंगी ना मैं तुझे बेशरम बे हया कर कहूं तेरे मेरी मोहब्बत की तौहीन हो देख अरे तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है तेरे इश्क का मुझ पे गुरुदेव आप तो कलाकार हैं और हम तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के चरणों की धूल हैं अवाल गुरुदेव हमारे कुछ गा रहे थे दो अफुआ लगा रहे थे मैंने पहचान लिया ये गांव अच्छे अच्छे कलाकारों का है इस गांव का हम चरणों की धूल भी बराबर नहीं है कोई भी इस गांव में ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं ऐसे गांव के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है ना अपनी खबर है अपनी खबर है ना दिल की खबर है तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर गुरुदेव नहीं दुश्मनी है काऊ में या प्रेम प्रीत की खुशबू आती है यहाँ प्रेम प्रीत की खुशबू आती है और गांव सैनबा में घूम के देखा संगीत की खुशबू लगा हो तेल कागज पर तो लिखाई हो नहीं सकती ध्यान से सुनेंगे चंदनों को लिखा हो तेल लगा हो तेल कागज पर तो लिखाई हो नहीं सकती अगर मन फट गए हैं तो फिर सिलाई हो नहीं अब कहने लगी वो कह गई हे मंत्रा मैं उसी रघुकुल की स्त्री हूं चाहे कुछ भी हो जाए सुबह राम के मुख
शीश पे राज मुकुट धरने नहीं दूंगी। कर रघुकुल की मैं शान हूं और ना समझू अंजाम, और अपने पति के नाम को ना होने तू पद, अपने पति के नाम को ना होने तू बदनाम। 51 रुपए का पुरस्कार हमारे गुरुदेव रामेश्वर दयाल जी की तरफ से आया है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी। अरे बुद्धि मेरी शुद्ध भई, रित अनुरुद्ध भई, सोचने लगी अकेली बैठी है और सोच रही है उसके पास कोई नहीं है जवाब लिखे रामू भैया, उसके पास कोई नहीं है कह के। अरे बुद्धि मेरी शुद्ध भई, रित अनुरुद्ध भई, सच्चाई को आज गाड़ घेर गई है मंथरा, सच्चाई को आज गाड़ घेर गई है मंथरा, सच्चाई को आज गाड़ घेर गई है मंथरा। समझाई में बार बार इतना बड़ाया प्यार, समझाई में बार बार इतना बड़ाया प्यार, बोल मोसे आज टेर टेर गई है मंथरा, बोल मोसे ऐसे टेर टेर गई है मंथरा। अरे सत्य सत्य बोल गई, अरे सत्य सत्य बोल गई, राज सब खोल गई, चक्कर में आज मोकू घेर गई है मंथरा, सत्य सत्य बोल गई, राज सब खोल गई। आज मोए चक्कर में घेर गई है मंथरा, आज मोकू चक्कर में घेर गई है मंथरा। और अरे बड़ी अनजान में आज आई ध्यान में, ध्यान तो सुने इस कबूतर को, अरे बड़ी अनजान में आज आई ध्यान में, आज मेरी बुद्धि को फेर गई है मंथरा, आज मेरी बुद्धि को फेर गई है मंथरा। अरे अरे लगा दाग मेरा, ये हमारे गुरुदेव प्रधान जी देते हैं 100 रुपए का आशीर्वाद, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। लगा दाग मेरा छूटे न छूटे, देख मुझ में दाग लग जाए लेकिन अपने पति में दाग नहीं लगने दूं। कुछ प्रधान जी, प्रधान जी, ध्यान विकास पे हो जिसका वोट उसी को मिलते हैं। लाइन देखना, ये बात में खोपड़ी में 24 घंटे भरी रहती है भाई। देख, ध्यान विकास का हो जिस पे वोट उसी को मिलते हैं, अरे गाना अच्छा जो गाता है तो नोट उसी को। और ये कन्हैया ठेकेदार 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। कहना है लगा दाग मेरा छूटे ना छूटे, लगा दाग मेरा छूटे ना छूटे। गुरुदेव ये कही कह रही है मुझ में दाग लग जाए लेकिन अपने पति को बदनाम नहीं होने दूंगी। देख अरे लगा दाग मेरा छूटे ना छूटे, मगर राम का राज होने न दूं। लगा दाग मेरा छूटे न छूटे, मगर राम का राज होने न दूं। लगा दाग मेरा छूटे न छूटे, मगर राम का राज होने न दूं। अगर मेरा पिया मुझसे रूठे तो रूठे, अगर मेरा पिया मुझसे रूठे तो रूठे, नहीं चैन से आज सोए। दाग चाहे मेरा
मगर राम का राज होने न दूंगी। अगर मेरा पिया मुझसे रूठे तो रूठे, मगर चैन से आज सोने न दूंगी। अब सुनेंगे वो सच्चाई की बात। अब तक छुपी बात, अब तक जो बात छुपी है मुझे मुझे ही मालूम है और किसी को मालूम नहीं, या तो दशरथ को, मेरे पिया को मालूम है, यानी फिर मुझे मालूम है, यानी उसे मालूम है, पंपा बुलवाने। जो अब तक छुपी बात आगे पड़ेगी, सुबह देख सुबह ताज की जब जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वो नहीं चाह रही थी, ताज तो रखा हुआ था पंपापुर में बाली के पास। एक ही सोच रही है कि अगर नकली मुकुट भगवान राम के सर पे बंध गया, ताज बंध गया, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो कहने लगी कि आकाश भाई बड़ी बात मत बोला करो, जा ओम भी शर्मा की जनानी ने अच्छे अच्छे ने छुट्टी कर दी है, यूट्यूब पर निकाल के देख लेना। और तुम कह रहे थे इतना चिल्ला या चिल्ला भी तो कर रही ही बहुत हो यार, गाय बहुत सिखाओ ना भाई, भले सब कम आवाज है लेकिन तुम्हारी काई सी फाद देते। पंचों में बात कोई देख, पंचों में बात कोई फूटे तो फूटे, पंचों में बात कोई फूटे तो फूटे, पंचों में बात कोई फूटे तो फूटे, हो करके मोहताज रोने न दू। पंचों में बात कोई फूटे तो फूटे, हो करके मोहताज रोने न दो। लगा दाग मेरा छूटे न छूटे, मगर राम का बात है। अगर राम का अभिषेक हो गया तो मेरा जीवन ही बेकार है, ये सच्चाई थी कह गई की, लेकिन किसी को नहीं बताती, अपने मन में सोच रही इस बात को। देख अरे अरे ऊके का जमाना मैं खुद मानती हूं, ऊके का जमाना मैं खुद मानती हूँ, मुकट राज का राज में जान, ऊके का जमाना मैं खुद मानती हूँ, ऊके का जमाना मैं खुद मानती हूँ, मुकट राज का राज में जान। गुरुदेव सजावट की कर दूंगी, ये सजावट हो रही है सारी अयोध्या में, इस सजावट के बदले दीपक भी नहीं जलेगा इस अयोध्या में कुछ भी। क्या कहने के कही थे, सजावट की कर दूंगी झूठे ये पूटे, मैं अपना अंदाज सजोने न दूं, सजावट के कर दूंगी झूठे ये बूटे, मैं अपना अंदाज सजोने न दो। अगर मेरा पिया मुझसे रूठे तो रूठे,
मोहब्बत है ये मेरा दुलारा, मगर राम तो मेरी आंखों का माना भरत है ये मेरा दुलारा, माना भरत है ये मेरा दुलारा, मगर राम भी मेरी आंखों का तारा। जितना प्रेम मैं भरत से करती हूँ उससे अधिक ज्यादा मैं राम को करती हूँ। अब आप ही बताइए कैसे उस माँ ने कहा होगा कि राम को वनवास दे दो। ये बस्ती माता की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग। मकर राम भी मेरी आंखों का तारा। बेटा से प्रेम टूट जाए लेकिन अब पति का मनोबल नहीं करने दूं। देख, माना भरत है मेरा दुलारा, मगर राम तो मेरी आंखों का तारा। अगर प्रेम बेटा से टूटे तो टूटे, अगर प्रेम बेटा से टूटे तो टूटे, रघु कुल के कुल की लाज खोने न दूं। अगर प्रेम बेटा से टूटे तो टूटे, रघु कुल के कुल की लाज खोने न दूं। गीत अच्छा लग रहा है भैया, हाथ उठा के बताएं। बस यही हम चाहते हैं, सुबह में बस में जाऊंगा तो आगरा तक जाऊंगा, मुझे ये तालियों का प्यार नहीं बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ताली तो भाई तब मदारी बजवाते हैं, गीत अच्छा लगता तो सुबह ही ताली बजती है। देख, अरे अगर प्रेम बेटा से। ये अवधेश मां साहब की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है और कहकर के गए हैं कि इस शानदार संवाद की तरफ जाते हुए ये शानदार जो संवाद चल रहा है इस पे खुश होकर के ये मेरी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी। अरे अरे अगर प्रेम बेटा से टूटे तो टूटे, रघु कुल के कुल की लाज खोने न दूंगी। अब लास्ट बंद, उसके बाद हमारा छोटा भाई संजय गाएगा, बहुत अच्छा नाम है इस भैया का। देख, अरे अरे रुस भाइयों का पड़े जाम पीना, रुस भाइयों का चाहे पड़े जाम पीना, रुस भाइयों पैरग के गुलशन को खिला दूंगी दीना। मोहब्बत से अरे पवन से जान मोहब्बत लूटे तो लूटे, शर्मा पवन से ज्ञान, पवन से ज्ञान जो मोहब्बत लूटे तो लूटे, ओमीर का सुख साज पिघोने न दूंगी, शर्मा से ज्ञान मोहब्बत लूटे तो लूटे, ओमीर का अंदाज खोने न दो, लगा दाग मेरा। ये लास्ट बंदा मेरा, और ताली आनी चाहिए इसलिए मुझे मालूम पड़ जाए कि मेरा गीत समझ में आया। देख, अरे लगा दाग मेरा टूटे न छूटे, मगर राम का राज होने न दूंगी, लगा दाग मेरा टूटे न छूटे,
कर चैन से आज सोने दो। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। हाँ बिल्कुल। देखिए कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए रुका। दर्द उसी को होता है चोट जिसको लगती है। बिल्कुल। और जो दूसरे के दर्द का थोड़ा बहुत एहसास न कर सके वो इंसान नहीं। बिल्कुल। ये कमेटी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं ईश्वर से यही अरदास करता हूं मास्टर जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। अभी अभी आप बड़ा सुंदर चक्र सुन रहे थे ओमवीर भाई की तरफ से। हाँ बिल्कुल। केवल एक मिनट आप लोगों से वार्तालाप करूंगा। हाँ भैया। उसके बाद मैं अपना गाना शुरू करूंगा। एक गीत दर से गाया है उसका जवाब दूंगा और दो बातें अपनी भी रख करके जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। वायु दर से कह रहे थे क्या कि विदेश नहीं था। हाँ। तो फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, वो जनक जी कह रहे हैं देश विदेश के राजा आएंगे राधे श्याम में। देश बड़े भाई तुलसीकृत जो रामायण है रामचरित मानस है उसमें देश विदेश शब्द करके सूचित नहीं किया गया किसी भी चौपाई में। चौपाई भी आई है स्वयंवर की। दीप दीप के भूपत नाना आए सुन हम जो प्रण उठाना। दीप दीप के यानी के देश देश के विदेश ना हो मां आते सब अखंड भारत में थे। हाँ देव धनुष धर मनुष्य शरीरा आए विपुल बीच रण धीरा। देवता भी बलदानों का रूप धर के आए थे वहां विदेश ना आए। शर्मा जी देखो नॉलेज रखोने का रसिया का भैया ने उधर से कह दिया। मेरे छोटे भाई आकाश शर्मा ने एक लाइन लगा दी उस लंका में जाके लंका ना जला दूं तो हनुमत मेरा नाम नहीं। तो भैया बोले लंका में पहुंचे नहीं लंका कैसे जला देंगे। तो राम भाई मैं हवाई फायर नहीं करता। जो कुछ गाता हूं अगर तुम पे आनंद रामायण हो तो दो मुझे मैं तो आज लाया नहीं। जब त्रिणबेंदु ऋषि के आश्रम पर अक्षय कुमार और हनुमान दोनों पढ़ा करते थे जब कुटिया को अक्षय कुमार ने जला दिया तो हनुमान जी ने एक वचन दिया है एक प्रतिज्ञा की है कि एक दिन मैं भी तेरी लंका को ऐसे ही जलाऊंगा तूने जिस तरह से इस कुटिया को जलाया। हाँ लीलो लाम समुद्र सका भुजनन से बुलबाल बथेरू एक कई लात हनु दन दानव लंक उठाए अच्छस में बोरू। ये बात कही है पढ़ाई लिखाई का मैटर है यार ये फूक निकल जाएगी अंगूठा टेक आदमी क्या समझेंगे। आइए इधर से गीत हुआ चाचा जी आप कह रहे थे क्या क्या कुछ ऐसा सुनाओ
जैसे लोग याद करते हुए जाए। हाँ यार कहाँ रोमनो सो गए हो। मैडम कह रही वो आई, मैडम कह रही कि मैं इतना बढ़िया गा रही हूँ, कोकला खिला रही हूँ कोकला, और जालंग थे तो कदैया ही तरह खिला रही है। भैया चलो ठीक है, हम ऊंचे स्वर में गा रहे हैं, कदैया ही तरह चिल्ला रहे हैं गुरु। लेकिन ओम बी शर्मा जी ऊंचो ना गा रहे चाल ला नंते हुए। चलो भैया जब हमें कदैया बता रही है हम ऊंचो गा रहे हैं, तो ओम बी शर्मा को तो ऊंचो गा रहे हैं। ओम बी शर्मा को भे यार खामा फालतू की बात करते हैं। दवाई लेने का चेकअप करा यार सुट डरवा जब बात नहीं। आइए मेरी तरफ से नंबर सुनाओ, मैं फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देता। आप छंद पे वहीं से वहीं घूमते रहे, लोटा है घोटम घोटा है, एक शब्द आगे नहीं बढ़ा पाए। अब सुनिए आगे बढ़ रहा है छंद कैसे। अरे देख के वह श्री कृष्ण को ये देख के वहां चिल्ला लेगी ना, चिल्ला लेगी फट फट जाएगी, सुबह बेल्डिंग करवानी पड़ेगी। ये देख के कोई श्री कृष्ण को और हुए प्रफुल्लित गात, अरे गाते कोई हुंदिन की बरे ओबीर चाचा देखत की बेसक जी छोटी है, प्रजा में मोटर हाई पावर वाली लग रही है। हाँ राम भाई अब आगे छंद लड़ रहा है। अरे क्या मन मिठा दी तुमने न कऊ मानी, क्या मन में थाली, क्या मन में थाली ने कऊ ना मानी। अब रामा को जब पता चल गया कि कन्हैया आ गए, हाँ चारो व्यवहार न दिल को भायो है, प्यारो व्यवहार ना दिल को भायो है, अरे वो व्यवहार ना दिल को भायो है, अरे भात भरन को कोई काज करन को मेरो भैया का नहीं। Yeah!
तुम्हारे गीत का भी जवाब दूंगा, उससे पहले बात साहब दिखा मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। सात बरस की उम्र में रखा
नख पे वो गिर भार, सात बरस की उम्र में रखा नख पे वो गिर भार, तो सात बरस की उम्र में रखा नख पे वो गिर भार। और प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे, यहाँ प्रबुद्ध श्रोता बैठे, आशीर्वाद चाहूंगा आपका। तो सात बरस की उम्र में रखा नख पे वो गिर भार, जय मुरलीधर नंद लाला जय गोवर्धन गिरधार, जय मुरलीधर नंद लाला जय गोवर्धन। क्यों मन को करती छोटा है, अरे क्यों मन को करती छोटा है, अरे क्यों मन को करती छोटा है, अरे सासु ननद तो भात पहनो और कोई धन को नाई। ले जा चांदी इतना चांदी सोनो। आइए एक गीत इधर से हुआ उसका जवाब दूंगा, इनकी बहर का जवाब दूंगा, उसके बाद अपना गीत गाऊंगा। क्या बात है, दिखा बात साहब तेरी बे भाई का सिकवा करूं तो। कहा जाता है विरोधाभास, विरोधाभास से तीन तीन अंतरे से मैंने गीत को लड़ाया, लेकिन राम भाई
एक अंतरे से जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल, क्योंकि समय की जो डिमांड है जवाब देना मेरा कार्य है, क्योंकि सामने से जो भी प्रश्न होगा ये मेरा कार्य है जवाब देने का। पहले आपके जवाब होंगे उसके बाद मैं अपना गाऊंगा। हाँ जी, अब इधर से भरत जी कह रहे हैं, सुनिएगा। उधर से गीत आया, लगा दाग मेरा छूटे न छूटे। भरत जी कह रहे हैं, एक ही आप एक ही मनमाही, प्रात काल चले हूं प्रभु पाई, जे सुन बिने मोह जन जानी, आब है बहुर राम रजधानी। यहां से तुम्हारे जवाब को बढ़ा रहा हूं, सुनना। लगा दाग मेरा छूटे न छूटे, मगर राम गोरा होने न दूंगी। सुनिएगा, भरत जी कह रहे हे मां के कई पर मांगत तो भई ना पीरा, जली जीव मुख पड़े ना कीरा। मां तुझे पीड़ा नहीं हुई कैसे? कह रहे भरत जी, सुबह होते ही कले मन को मैं जाऊं, सुबह होते ही कले मन को मैं जाऊं, सुबह होते ही कले मन को मैं जाऊं, ला कर प्रभु को अबध का, के ला कर प्रभु को अबध का मैं राजा बनाऊं, कर प्रभु को अबध का मैं राजा बनाऊं, क्यों बना कर बहाने, बना कर बहाने के मैं झूठे मूठे, बना कर बहाने मैं झूठे मूठे, बना कर बहाने के मैं झूठे मूठे, भाई के लिहाज कष्ट होने न दूंगा, बना कर बहाने मैं झूठे मूठे, भाई के कष्ट मैं होने न दूंगा। लेकिन के लोहू का घूंट के गई, लोहू का घूट के कई घूटे तो घूटे, प्रभु काज कांटों के बिछोड़े कर रहा हूं इनकी बातों के जवाब देके कि बहर और शेष है, अपनी बात रखूं। मेरे निर्धन पिता की रख लई बबंसी बारे, सुनो सासुल मेरी सुन लीजिए, सुनो सासुल मेरी तुम तो जरा न अब क्यों हाल भयो बेहाल, भात तू भरे नंद को लाल, हे भात तू भरे नंद को लाल, तरके आइए
मेरी तरफ से सुबह का वक्त है, दो गीत होंगे क्योंकि बहर का मैं जवाब और दूंगा, दो चार आदमी और जो और चले जाएंगे चूंकि गाय भी सर रोमन और राम भैया। शुरुआत होती है तो थोड़ा ना तड़कता भड़कता वीर रस का मामला होता है सामने से, तब पूरी रात्रि दोनों तरफ से चोट फेंट होती है दोनों कलाकारों में। अब शुरूते ही रोमनो स्टार्ट कर दो क्या, आइए मेरी तरफ से एक गीत सुनना दिखावा साहब पंडित जी मेरे मरने के बाद, बिल्कुल नया गीत आप लोग धैर्यता से सुनेंगे, एक एक व्यक्ति के दिल तक जाएगा ये गावा। बुजुर्गों के जमाने का गीत आया प्रधान जी, मेरे पिता ने स्वर्गीय अशोक शर्मा ने रसियाबाजी के माध्यम से इस ब्रज धाम की और आप लोगों की बहुत सेवा की गायकी के माध्यम से, और मैं तो केवल उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। एक गीत है मेरी तरफ से, सुनिएगा। के ना धर्म बुरा और ना करम बुरा और ना गंगा बुरी ना जल बुरा, पर पीने वालों को पंडित जी के ना करना तुम कोई नसीहत, पर पीने वाला मरते मरते करता है यही बसीयत। पंडित जी मेरे मरने के बाद, के पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना ये कष्ट उठा लेना, मुख में गंगा के जल की जगह थोड़ी सी मात्रा बिहारी भैया, जरूरी नहीं है जब सुबह का वक्त होता है कलाकार के सामने 5000 ही श्रोता हो, 50 सुनने वाले हो, हृदय से सुनने वाले हो, तो कलाकार उसी से अपनी भरपाई कर देता है। भैया ने रामचरितमानस से एक गीत गाया, मेरा भी गीत है, अभी तक किसी कवि ने इन पात्रों की तरफ इस घटना की तरफ कोई गौर नहीं किया, जब केकई ने अपने दूसरे वचन में महाराज दशरथ से कह दिया, तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। जब इतना सुना तो वो चक चूड़ामणि सम्राट राजा दशरथ
एक नारी के सामने बच्चे की तरह बिलखने लगे, कहने लगे केकई तू ऐसा मत कर। लेकिन केकई ने दशरथ जी की एक नहीं सुनी। दशरथ जी अपने सैन कक्ष की ओर गए, नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। जब दशरथ जी सैन कक्ष में पहुंचे, सुमंत जी आए। अब सुमंत जी के और दशरथ जी के वार्तालाप हो रहे हैं, और ये मेरा वादा है आपसे, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं हृदय से सुन रहे हैं, एक एक व्यक्ति की तालियां इस गीत पर जरूर बजेंगी जो दिल से सुनेगा। दशरथ जी कहने लगे, सुमंत से सुनिएगा, कहना के राम जीवन में जा रहे और दशरथ जी हुए अभी और वो बिलख बिलख रोने लगे उनके नैनन बरसे उनके नैनन बरसे के जिंदगी में चार दिन का और बस झमेला जाएगा भाई बहन नारी सुता और ना संग चेला जाएगा के माल धन दौलत खजाना और ना साथ थेला जाएगा और आया है हर बंदा अकेला और अकेला हे सुमंत सुनो, हे सुमंत सुनो, तुम तुरंत सुनो, निकालो ऐसा पंत सुनो। हे सुमंत सुनो, तुम तुरंत सुनो, निकालो ऐसा पंत सुनो। इस दशरथ का होता अब अंत सुनो। मुझे पे बड़ी मुसीबत कैसे कैसे रंग दिखाती देखो है ये किस्मत। तो कह रहे दशरथ के हे सुमंत इस पावन अवधे का हे सुमंत इस पावन अवधे का के उजड़ा चमन खिला देना। अगर लाइन बढ़िया लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। हे सुमंत इस पावन अवधे का के उजड़ा चमन खिला देना जो के अंत समय मरने से पहले के अंत समय पे मेरे मरने से पहले मेरे राम से मुझे को मरने से पहले मेरे राम से मुझको मिला देना। कोशिश करना। अब कहना प्रथम मंद में के जैसे भबरे बिना चमन में सुनी रहती कलियां हैं और बिना राम के
सुनी हो जाए रघुकुल कमल बिखरने से पहले के रघुकुल कमल बिखरने से पहले के मेरा ये मेट गिला देना क्यों के अंत समय पे मेरे मरने से पहले मेरे राम से मुझे को देखिए इस गीत में खुश होकर हमारे परम आदरणीय बड़े भाई कुंज बिहारी भैया जी उनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। हम चाहेंगे इनके स्वागत में एक बार जोरदार ताली हो जाए। बार बार धन्यवाद। कहने लगे दूसरे मन में बनवासी बन बन में जाकर राम को बचन निभाना है। को वापस महल में लाना है। सुनो सुमंत सिया राम लखन को वापस महल में लाना है। और कह लगे रथ के नीचे उतरने से पहले रथ के नीचे उतरने से पहले के तुम पे सांस दिला देना के अंत समय पे मेरे मरने से पहले राम से मुझको और ये एक से एक रुपए का आशीर्वाद राहुल व्यासी उनकी तरफ से आए। बार बार आशीर्वाद की कामना। अब अंतिम मन में कहना क्या है व्यासी? काम किया और के कई ने छल का क्या काम किया के कई ने छल का। रामू भाई पहला मेरा बंद है जिसमें उपमा अलंकार डला हुआ है। दूसरा बंद है जिसमें अनुप्रकाश अलंकार डला हुआ है। और तीसरा जो मेरा बंद है उसमें यमक अलंकार डला हुआ है। सुनिएगा। काम किया और के कई ने छल का छल का नैनो मेटा नैनो
मामू सूर्य ठहरने से पहले रामू सूर्य ठहरने से पहले के रामू सूर्य ठहरने से पहले कर अंत समय पे मेरे मरने से पहले। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद राम भैया पेड़ वाले उनकी तरफ से आया है। अंत समय पे मेरे मरने से पहले मेरे राम से मुझे एक गीत और होगा गुजर जा लिपटा होगा बन कर चांद तारा नजर ये तो कह रहे हैं बंबई वाले के चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। बात तो समय की है जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया तो अपने पुत्र के मोह में उस अर्जुन ने भी अपने मरने की चिता तैयार कर ली तो कन्हैया से कह दिया एक तरफ मेरे अभिमन्यु की चिता जलेगी तो दूसरी तरफ इस अर्जुन की चिता जलेगी। क्या बात है। तो कन्हैया समझा रहे हैं ए अर्जुन तुम ये क्या करने जा रहे हो। अरे जिसने भी तुम्हारे इस पुत्र को मारा है तुम्हें अभी अपने पुत्र का बदला लेना है। अर्जुन कहता है जलू चिता के बीच में मैंने लई प्रतिज्ञा था और हे केशव पुत्र मोह में आज प्रभु मैं दे दूंगा अपनी जान। जब इतना कहा अर्जुन ने तो कन्हैया कह रहे हैं के जाने गवा पे तू प्रथा और कोई हो करके अज्ञान और गीता के उपदेश का कोई रहा न तुझको ध्यान। गीता के उपदेश का कोई रहा न तुझको ध्यान। तो कहना बल और बाली वीर अच्छे अच्छे रहे धीर और दुनिया को देख के झक छोड़ के चले गए। दुनिया को देख झक छोड़ के चले गए। दुनिया को देख झक छोड़ के चले गए। और
अरे अभिमन्यु जैसे वीर जन के करारे तीर, और वो भी वीर चक्रव्यूह तोड़ के चले गए, वो भी वीर चक्रव्यूह तोड़ के चले गए, वो भी वीर चक्रव्यूह तोड़ के चले गए। द्रोण गुरु भी सम पिता में सल्यकरण, और वो भी तो सुखी चादर ओढ़ के चले गए, वो भी तो सुखी चादर ओढ़ के चले गए, वो भी तो सुखी चादर ओढ़ के चले गए। हमारी तो जात पात और औकात क्या है, हमारी तो जात पात और औकात क्या है, अरे रावण से दुनिया पूछो। क्यों धीरे फूल और गलियों में, कुंज और गलियों में, श्याम नहीं होते तो रास को रचाव तो, श्याम नहीं होते तो रास को रचाव तो, श्याम नहीं होते तो रास को रचाव तो। अर्जुन के संग में महाभारत की जंग में, अरे श्याम नहीं होते तो जोर को दिखाव तो, श्याम नहीं होते तो जोर को जचाव तो, श्याम नहीं होते तो जोर को जचाव तो। कल्प की डार पे इंद्र के भी द्वार पे, अरे श्याम नहीं होते तो जंग को मचाव तो, श्याम नहीं होते तो जंग को मचाव तो, श्याम नहीं होते तो जंग को मचाव तो। और नैन अगर हकीकत दो तो आशीर्वाद चाहूंगा, अरे श्याम नहीं होते तो जंग को मचाव तो, अरे दुशासन जैसो नीच रहो जब साड़ी खींच, और श्याम नहीं होते तो नाच को बचाव तो। प्रतिज्ञा ऐसी, प्रतिज्ञा ऐसी करने की जरूरत क्या है, प्रतिज्ञा ऐसी करने की जरूरत क्या है। क्यों प्रतिज्ञा ऐसी करने की जरूरत क्या है, और ए अर्जुन कृष्ण के होते, कृष्ण के होते तुझे मरने की जरूरत। प्रतिज्ञा ऐसी करने की जरूरत क्या है, और कृष्ण के होते तुझे मरने की जरूरत क्या है, है? तो कह रहे हैं, एक तू वीर है, एक तू वीर है और दूजा धनुषधारी है, एक तू वीर है और दूजा धनुषधारी है। मेरा भी रूप है एक नर का अवतारी है, मेरा भी रूप है एक नर का अवतारी है। और सलीमावा चिता में जिंदा करने की जरूरत क्या है, चिता में जिंदा करने की जरूरत क्या है। हाँ जी ओपी चाचा, चिता में जिंदा चरने की जरूरत क्या है, कृष्ण के होते तुझे मरने की जरूरत। गीता का ना तुझ में नजर आता है, ज्ञान गीता का ना तुझ में नजर आता है। क्यों मोह ये तेरे
कोना मेरे भाता है, मोह ये तेरा ना मन को मेरे भाता है, कह रहे मोह ये तेरा मन को ना मेरे भाता है, मोह के जाल में पड़ने की जरूरत क्या है। और अंतिम मंद में कहना, विधाता का लिखा हर अंक काम आएगा, विधाता का लिखा हर अंक काम आएगा, लेकिन मौत से आज वो क्षेत्र नहीं बच पाए। मधुआ का हरने की जरूरत क्या है, ज्ञान मधुआ का हरने की जरूरत क्या है, ज्ञान मधुआ का हरने की जरूरत क्या है, प्रतिज्ञा ऐसी करने की जरूरत कृष्ण के होते तुझे मरने की जरूरत क्या है।